हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है कुल टेक मुकेश इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह का ट्रेंडिंग इंटरेस्टिंग व्हाट्सअप स्टेटस आप भी बना सकेंगे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स आपको भी समझ में आ जाएगा और फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल से ही बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट कर देते हैं कि हमसे नहीं बन रहा है, तो फ्रेंड्स पहले आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि आपसे बना कि नहीं बना और फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ, वीडियो को प्ले कर देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना झकास लग रहा है। उससे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स हमसे कुछ ही पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और वहाँ से कुछ ही मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप काई मास्टर को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। सबसे पहले प्लस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से 16:9 का रेशियो ले लेना है, उसके बाद मीडिया में आ जाना है, उसके बाद यहाँ से एक यहाँ से बैकग्राउंड आपको चूज कर लेना है देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको जितना बड़ा स्टेटस बनाना है उतना बार यहाँ से ड्यूरेशन को ले लीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, लेयर पर जाना है, उसके बाद मीडिया पर आ जाना है और फ्रेंड्स एक यहाँ से ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट है इसको ले लेना है देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से फुल स्क्रीन कर देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, लेयर में जाना है, उसके बाद मीडिया में आ जाना है और फ्रेंड्स जो फोटो आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को आप अपने गैलरी फ़ोन से ले लीजिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहां से ले लेता हूं दोस्तों, देख सकते हैं इस फोटो को लेने वाले हैं देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको इस फ्रेम में एडजस्टमेंट कर लेंगे इस तरह से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको यहां से क्रॉप कर लेंगे देख सकते हैं, इस तरह से क्रॉप कर लेंगे नीचे से इस तरह से इतना हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर से हल्का कर लेता हूँ देख सकते हैं, इस तरह से आप भी कर लीजिएगा, इतना हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद फ्रेंड्स फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और इस फ्रेम में इस तरह से जूम कर लीजिएगा इस तरह से देख सकते हैं, यानी दोस्तों इसमें एडजस्ट हो जाए देख सकते हैं, इस तरह से कर लीजिएगा। बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप भी बना सकेंगे। और फ्रेंड्स यहां से ड्यूरेशन को फुल कर दीजिएगा देख सकते हैं और यहां से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, लेयर में जाना है, उसके बाद मीडिया में आ जाना है और फ्रेंड्स इस फूल को ले लेना है देख सकते हैं, इस फूल को ले लिए, यानी दोस्तों PNG फूल है। इसका भी लिंक हम दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने अनुसार से लगा सकते हैं दोस्तों, इस तरह से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, इस तरह से आप अपने अनुसार से इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं और इसको जहाँ आपको इच्छा करे वहाँ आप लगा लीजिएगा इस तरह से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका ड्यूरेशन को फुल कर दीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसी फोटो का एक और यहाँ से डुप्लीकेट ले लेंगे देख सकते हैं, ले लिए और एक पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ आ जाएंगे कलर फिल्टर में और उसके बाद यहाँ मोनोक्रोम में आ जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे दोस्तों M02 को देख सकते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स फिर इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ 3 डॉट पर आएंगे और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देंगे, यानी दोस्तों फ्रंट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ओवरऑल एनिमेशन में आएंगे और यहाँ से ब्लिंग स्लो पर क्लिक कर देंगे देख सकते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, फिर जाएंगे लेयर पर, उसके बाद मीडिया पर आ जाएंगे और फ्रेंड्स एक और यहाँ से PNG दोस्तों फ्लावर का इमेज है इसको ले लेंगे देख सकते हैं और इसको यहाँ रख लेंगे देख सकते हैं, इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं आप अपने अनुसार से कर लीजिएगा। और इसको और थोड़ा इस तरह से जूम कर लेता हूँ, इसको यहाँ लगा दीजिएगा देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर दीजिएगा देख सकते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करिएगा, इस फोटो को शुरू में कर दीजिएगा, उसके बाद फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ इसी का एक और यहाँ से डुप्लीकेट एक और फूल ले लीजिएगा देख सकते हैं, ले लिए और एक फूल पर क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ आ जाइएगा दोस्तों उसी ऑप्शन में यहाँ कलर फिल्टर में और यहाँ से आप ले लीजिएगा दोस्तों मोनोक्रोम में आ जाइएगा और यहाँ से M02 को ले लीजिएगा देख सकते हैं, ले लिए और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ आ जाइएगा दोस्तों ओवरऑल एनिमेशन में और यहाँ से बिलिंग स्लो पर क्लिक कर दीजिएगा देख सकते हैं, इस तरह का इफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको जाना है लेयर में, उसके बाद आ जाना है ओवरले में देख सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ से इस ऑप्शन में आ जाना है दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ स्पॉट लाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल में इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ गेट मोर पर क्लिक कर आप फ्रेंड्स डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिए और फ्रेंड्स यहाँ से इसको ले लेना है देख सकते हैं, ये वाला जो DJ लाइट का इमेज है इसी को ले लेना है देख सकते हैं।
और फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर दिए, देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको इस तरह से रोटेट कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ लगा देंगे, देख सकते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर देंगे, देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स फिर इसी का एक और यहाँ से डुप्लीकेट ले लेंगे, देख सकते हैं, ले लिए, और एक पर क्लिक करेंगे और एक को इधर लगा देंगे, देख सकते हैं, इस तरह से रोटेट कर लिए और एक को यहाँ लगा देंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से अभी लगा लीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना है, यहाँ सबसे पहले जो ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट लगा है इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर आइएगा, उसके बाद यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर दीजिएगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आइएगा दोस्तों सबसे नीचे यहाँ ब्लेंडिंग में, और यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना झकास हो गया, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, इस ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट है इसी पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ साउंड पर आइएगा, और फ्रेंड्स इस साउंड को यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा, देख सकते हैं कर दिए, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें कोई सा भी आपको सॉन्ग लगाना है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से, और फ्रेंड्स आपके मोबाइल में जितना भी सॉन्ग रहेगा यहाँ से फोल्डर में आकर आप फ्रेंड्स यहाँ से चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको जो भी सॉन्ग लगाना है आप लगा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स इस सॉन्ग को लगाना है तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस पर क्लिक कर देंगे, और फ्रेंड्स यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ सॉन्ग ऐड हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको स्पॉट कर लेना है। स्पॉट करने के लिए दोस्तों यहाँ डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं, इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहां से रिजोल्यूशन को फुल एचडी या एचडी कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स यहां से वीडियो को दोस्तों फुल भी कर सकते हैं और उसे भी कम भी रख सकते हैं, और यहां से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, और वहाँ से आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।